सुने, ये कुछ तस्वीरें हैं। मिसेस शेख ने भेजी हैं। अगर अलमीर आयान के लिए राजी नहीं हुआ तो इन्हीं लड़कियों में से कोई एक लड़की पसंद कर लेंगे हम उसके लिए, ठीक है ना? नो, सॉरी, मैंने सुना नहीं, तुम क्या कह रही थी? क्या हो गया है? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि आप बहुत खामोश रहने लगे हैं। सब खैरियत तो है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम क्या दिखा रही थी? ये देखिए तस्वीरें, अच्छी है ना लड़कियाँ? ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है तो फौरन बात करो। मैं अलमीर की बहुत जल्द शादी करना चाहती हूँ। हाँ, मैं एक बार अयान से बात करना चाहती हूँ। अगर उसे कोई एतराज नहीं होगा अलमीर के रिश्ते के लिए तो फिर मैं शादी कर दूंगी, क्योंकि अयान अलमीर के माजी के बारे में अच्छी तरह से जानती है और उसके लिए अलमीर को हैंडल करना ज्यादा आसान होगा। जो भी करना है फौरन करो। मैं तो खुद इंतजार कर रही हूँ। अब जैसे ही अयान आएगी ना, मैं उससे उसका कॉन्टेक्ट नंबर ले लूंगी। अगर उसे अलमीर से रिश्ते में कोई एतराज नहीं होगा तो फिर अलमीर को मनाना मुश्किल नहीं है। अलमीर को राजी होना। मामा। हाँ अलमीर। मामा, ये सब क्या है? ये मिसेस शेख ने कुछ लड़कियों की तस्वीर भेजी थी। तुम इसमें से कोई भी एक तस्वीर पसंद कर लो तो मैं रिश्ता लेकर चली जाऊंगी। आपने फिर वही सिलसिला शुरू कर दिया। मुझे शादी नहीं करनी है। Why don't you get it? कब तक शादी से पीछा छुड़ाते रहोगे अलमीर? एक दिन शादी तो करनी है ना। मैं चाहती हूँ कि अपनी मौजूदगी में तुम्हारे फर्ज से फारिग हो जाऊँ। बहू आ जाए तो मैं भी सुकून से फवाद और उस्मा के पास वापस जा सकूं। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं ऐसे ही। कब तक ऐसे रहोगे? देखो अलमीर बेटा, तुम मेरी औलाद हो, मैं तुम्हें इस तरह से अकेले खामोश अफसरदा नहीं देख सकती। मम्मा, शादी खुशी का नाम है और ये खुशी मेरी जिंदगी में मुझे हासिल होके भी ला हासिल रही है। तुम भी आगे बढ़ो। कब तक उसकी यादों के सहारे जिंदा रहोगे तुम? वो तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है बहुत दूर। अम्मा, अम्मा, क्या हुआ? अयान कहाँ? अम्मा वो अपने कमरे में नहीं है। मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। बताइए कहाँ है वो? यूनिवर्सिटी गई है। जब मैंने मना किया था कि वो घर से कहीं नहीं जाएगी तो फिर आपने उसे क्यों जाने दिया? यहाँ सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, मेरी सुनता ही कौन है? आप उसे रोक भी तो सकती थी। रोका था मैंने उसे, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मेरे घर में आने वाली हर मुसीबत, हर परेशानी की जिम्मेदार तुम, सिर्फ तुम। बहुत आसान है ना अपनी गलती का इल्जाम दूसरों पे लगा देना। अयान आपकी बहन, हर अपने अच्छे बुरे अमल की जिम्मेदार वो खुद है, तो आप बार बार कैसे मुझ पे इल्जाम लगा सकते हैं? क्या कह रही हो तुम? क्या कह रही हो? हाँ, आईना दिखा रही हूँ आपको। आज अब तुम हद से बढ़ रही हो सलवा। मैं अपनी हदें अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन रोज रोज अपने ऊपर लगने वाले खुद साख्ता इल्जामों से तंग आ गई हूं मैं। आपसे कुछ नहीं मांगती हूँ वहाज, सिर्फ इज्जत, और वो भी उतनी जितनी इज्जत का हर बीवी को हक होता है।
अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मामा का नजर नहीं आ रही। तुम्हारी माँ समेत दुनिया की तमाम खवातीन की पसंदीदा जगह शॉपिंग सेंटर है। सिर्फ शॉपिंग, सिर्फ शॉपिंग। बेटा एक बात बताओ। जी। क्या इरादा? कैसा इरादा? तुम अच्छी तरह जानते हो बेटा मैं क्या बात कर रहा हूँ। आखिर तुम अपनी माँ की बात को मान क्यों नहीं लेते? वो आई भी इसी मकसद के लिए है। वो चाहती है कि जल्द से जल्द तुम्हारा घर बस जाए। पापा मुझसे नहीं होगा ये। देखो बेटा, जिंदगी एक जगह रुकने का नाम नहीं है। तुमने कभी चलते हुए पानी को देखा? अगर वो ठहर जाए ना तो काई बन जाता है। हम नहीं चाहते कि तुम अपनी जिंदगी को इस तरह बर्बाद करो। वो एक बुरा वक्त था, एक बुरा सानिया था जो गुजर चुका है। अगर तुम अपने इस इकदाम से खुश रहोगे तो वो ठीक है, लेकिन शायद तुम्हारी मां बर्दाश्त ना कर सके। उसकी खुशी की खातिर मान जाओ बेटा। मैं उसकी जगह किसी को दे ही नहीं सकता हूं। पापा आई एम रियली सॉरी, मुझसे नहीं होगा। को बेटा कोशिश तो की जा सकती है। जब तुम अपनी जिंदगी में चैलेंज लाओगे तो गुंजाइश निकल ही आती है। ट्राई टू थिंक। क्या बात है, अभी तक अलमीर से नाराजगी दूर नहीं हुई तुम्हारी। आंटी मैं आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, मुझे भी तुमसे बात करनी है। आओ कहीं बैठ के बात करते हैं। क्या बात, मुझे तुम कुछ अपसेट लग रही हो। सब ठीक तो है ना? आंटी मैं जो बात करने जा रही हूँ शायद आपको बहुत अजीब लगे, और हो सकता है कि आप ना मान जाए। तुम्हें जो कहना है मुझसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी कोई भी बात का बुरा नहीं मानती। अलमीर से प्यार करती हूँ, करती हो ना? इसीलिए उसकी नाराजगी से परेशान हो जाती हूँ। आपको कैसे पता चला? साफ साफ तुम्हारी चिट्ठी पे लिखा है तुम अलमीर से बहुत मोहब्बत करती हो, इसलिए तो उसकी नाराजगी से परेशान हो जाती हूँ। ठीक कह रही हूँ ना मैं? अलमीर और मैं एक दूसरे को बहुत चाहते थे, फिर अचानक सलवा हम दोनों के बीच में आ गई। आंटी उसने तो जैसे अलमीर के दिमाग पर कब्जा कर लिया। अब जब वो हमारे बीच में से हट चुकी है, मैं चाहती हूँ मैं अलमीर को दोबारा पाल लूं। तुम मुझे बहुत बहुत पसंद है। नहीं चाहती हूँ कि अलमीर तुमसे शादी कर ले और तुम्हारे साथ रह के अपने सारे गम भूल जाए। आंटी पर मुझे ये सब अब मुमकिन नहीं। लेकिन क्यों, क्यों मुमकिन नहीं है? अलमीर आज भी सलवा की मोहब्बत अपने दिल से लगाए बैठे। और देखो मैं ये जानना चाहती थी कि तुम क्या चाहती हो। अब मुझे पता चल गया है कि तुम क्या चाहती हो। मैं अलमीर को मनाना, वो मेरी बात को कभी नहीं टालेगा, परेशान मत। तुम इधर जाओ, तुम लोग इधर जल्दी जाओ अंदर, अच्छी तरह से सर्च करो। एक मिनट रुको, वारंट है तुम्हारे पास? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई इस तरह मेरे घर में दाखिल होने की? बकवास बंद करो।
मैंने कहा था ना तुमसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। मैं तुम्हें इफ्तिखार अहमद के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। सब बकवास है। Give me your gun. I said, give me your gun. ये क्या? एक मिनट, चुप कर जाओ। मैं तुमसे कह रहा हूं ना कि तुम चुप कर जाओ, मैं हैंडल कर लूंगा। तुम जाओ अंदर, जाओ। फहद, फहद बेटा, ये सब क्या हुआ? क्या कह रहे हैं ये लोग? माँ परेशान है, मेरी बात का यकीन तुझे? मैंने कोई कसूर नहीं। बहुत जल्द मैं वापस आ जाऊंगा। कब तक अपने घर वालों को तसल्लियां देते रहोगे? हाँ, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। सब साबित करते हैं कि तुम ही कातिल हो। ये गन, इसी गन से इफ्तिखार अहमद का कत्ल हुआ था। लेकर चलो इसे। मैं आ रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ, परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। खाला, महाश भाई को पुलिस पकड़ के ले गई। खाला, कहाँ जा रही हैं आप? कहाँ जा रही हैं? अम्मी उठे, अम्मी उठे, क्या? अंकित घर, भैया, अम्मी उठे, अम्मी सब मेरे बच्चे अम्मी नहीं रही। क्या क्या नहीं रही? क्या कुछ नहीं हुआ मेरे मामा को? क्या है? क्या कुछ भी नहीं हुआ मेरे मामा को? कुछ नहीं हुआ? मुझे यहाँ बंद करके तुमने अच्छा नहीं किया। अच्छे और बुरे का फैसला तुम अदालत पे ही छोड़ दो। फिलहाल तो कुछ दिन तुम यहाँ पे आराम करो, ताकि तुम्हें भी एहसास हो कि यहाँ पे मुजरिम क्या महसूस करते हैं। देखो, कत्ल तो मैंने किया नहीं है, और ये जो तुम इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो ना, ये तो तुम कभी साबित नहीं कर सकोगे। बकवास बंद करो, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। अलाए कत्ल भी बरामद हो चुका है। मैं भी देखता हूं कि तुम खुद को कैसे मासूम और बेगुनाह साबित करते हो। हमारा इदारा तुम जैसी गंदी मछलियों की वजह से बदनाम है, लेकिन एक बात याद रखना, बुराई का बदला हमेशा मिलकर ही रहता है। पता नहीं अम्मा ने ये सब कैसे बर्दाश्त किया होगा, ये तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसा ना हो कि वो इसको दिल पर ले ले। पहले ही उनकी हालत ठीक नहीं है, और सलमा कितनी अजनबियत थी उसकी आंखों में। मैं जानता हूं वो मुझसे नफरत करती है। बड़ी नेक खातून थी, मगर अल्लाह की मर्जी के आगे बस
सुना है जब से बेटे की शादी की थी नहुसत छा गई थी इनके घर में। बराबर में मिसेस खान रहती हैं, बता रही थी हर वक्त लड़ाई झगड़े की आवाजें आती थी घर से। और मैंने तो ये भी सुना है कि उनका लड़का लड़की के इश्क में पागल हो गया था, ये भी तो माँ को ले जाके जबरदस्ती शादी करवाई। मैयत वाला घर है बहन, कुछ तो लिहाज कर ले। उसे जाके संभालो बेटे, वो तो सकते की कैफियत में है बच्ची। उसको तो वक्त ही सबर देगा। मैं क्योंकि तुमने बताया नहीं वहाज को, क्यों पुलिस ले गई? पता नहीं अम्मी, लेकिन इस पे बाबा जान के कत्ल का इल्जाम है। तुम्हारे बाबा जान के कत्ल का? ये कैसे हो सकता है? क्या मतलब? वाज चलो मेरे साथ। क्यों, क्या हो गया? तुम आओ, मैं बताता हूं तुम्हें। आओ।
इजाजत तो मैं फिर आऊंगी ना। एक मिनट, इसे भी यहां से अपने साथ लेके जाए। एक मिनट के लिए भी मैं इसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। सब लोग कातिल हो मेरी मां के। निकल जाओ मेरे घर से। उठो, उठो, सुना तुमने? तुमने मारा मेरी मां को? ये कौन है तुम? कहीं वासा तुम लोग? चलो बेटे। जाओ। की कातिल है मेरी। आपने अलमीर से बात की? हाँ बात तो की थी, लेकिन उसने कोई सही रिस्पांस नहीं दिया। पता नहीं ये लड़का किस झूठी उम्मीद पर। आलिया देखो, जख्म बहुत गहरा है, भरते भरते वक्त लगेगा। आयान बहुत अच्छी लड़की है, उससे मोहब्बत भी करती है। मैं अब और देर नहीं कर सकती, आप किसी भी तरह अलमीर को राजी करें। पापा। पापा, इंस्पेक्टर जहां से की कॉल आई थी, इंस्पेक्टर वहाज को सलवा के फादर के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या मतलब? कत्ल उसने किया? नहीं, उसने कबूल तो नहीं किया, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ है। शुक्र है, फवाद तो बेगुनाह साबित हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। जी हाँ, आप देखिएगा कि वो खुद अपना जुर्म कबूल करेगा और उसके बाद उसे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। मुझे जितना भी चालाक हो ना, एक न एक दिन जरूर पकड़ा जाता है। और इंस्पेक्टर महाज ने जो किया ना, उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। मेरी प्यारी बेटी, जल्दी से खाना खा लो, देखो सब ठंडा हो रहा है। अयान देखो गिर जाओगी, इतनी बड़ी हो गई हो मगर बच्चों जैसी हरकतें हैं तुम्हारी। अयान तुम बहुत बदतमीज होती जा रही हो, आने दो तुम्हारे भाई को, अभी उससे शिकायत करूंगी तुम्हारी। मामा माफ कर देना मुझे, बहुत बदतमीजी की मैंने, बहुत तंग किया मैंने आपको, प्लीज मामा माफ कर दे। मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर? क्या हो गया मामा? सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ, और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ सलवा। तुम्हारा दिया हुआ एक एक जख्म याद रखूंगी, कभी नहीं भूलूंगी तुम्हारी दी हुई अजियत, तुम्हारा दिया हुआ दर्द सूद समेत तुम्हें लौटाऊंगी। तुम भी मेरी तरह तड़पोगी। कैसी तबीयत है उसकी, क्या कर रही है? मेडिसिन दे दी है मैंने उसे, उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था, अपने कमरे में लेटी हुई है।
आफरीन है मेरी बच्ची पर। पता नहीं क्या क्या हो गया है उसके साथ और उसने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, फहाज को बाबा जान के कत्ल के इल्जाम में पकड़ा गया है, मगर वो ये सब क्यों करेगा? और उसकी नन तो ऐसा कह रही थी जैसे सलमा ने उनके साथ जुल्म और ज्यादती की हद कर दी थी, एक मिनट भी उसे वहां रुकने नहीं दिया। सवाल ही सवाल है बेटा, कुछ सुझाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे वहाज तो दामाद है इस घर का, वो कैसे कर सकता है कत्ल? किसी ने इल्जाम लगाया है उस पे? मम्मी कौन लगा सकता है इल्जाम, और पुलिस किसी ना किसी सबूत के बिना पर ही लेकर गई होगी ना। अगर ये सच है तो मेरी बच्ची पे तो जुल्म के पहाड़ टूट पड़े। मेरी सलवा का क्या कसूर था? अम्मी परेशान ना हो, अब देखिएगा बाबा जान का असल कातिल बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। हिम्मत से काम लेना है, हालात बहुत नाजुक हो गए। तुम्हारी शादी बेटा मेरा एक बहुत हसीन ख्वाब है, क्यों तुम उसे चकनाचूर कर रहे हो? दुनिया में हजारों लड़कियां हैं, तुम जहां इशारा करोगे मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। मगर सलवा, देखो मैं ये नहीं कह रही कि सलवा बुरी लड़की है, बहुत अच्छी है, पर मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि तुम एक तलाक याफ्ता लड़की से ही शादी करना क्यों चाह रहे हो। आपकी मौत का जिम्मेदार मैं हूं, बल्कि इन तमाम हालात का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं। आयान से बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन यही मोहब्बत मेरी आजमाइश बन जाएगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। बहुत छोटी थी जब बाबा की डेथ हुई थी, उसने मुझे ही अपना सब कुछ मान लिया था। उसके लाड उठाते उठाते मैं भूल गया, भूल गया था मैं कि जब वो कुछ ऐसा मांगेगी जो मैं उसे नहीं दे सकूंगा तो फिर क्या होगा। मैंने ना सिर्फ आपके साथ जुल्म किया बल्कि सलमा के साथ भी। बदला लेने की कोशिश में भूल गया था कि वो भी एक जीती जागती इंसान, भूल गया था कि उसके दिल में भी एहसास, जज्बात। याद रहा तो बस इतना कि आयान मेरी बहन, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। ये मैंने क्या करता था? हेलो। हेलो बेटा आयान। जी आंटी, मैं आयान बात कर रही हूँ। अच्छा हुआ ना मैंने तुम्हारा नंबर ले लिया, इतने दिन हो गए तुम आई नहीं, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। 5 दिन, पूरे 5 दिन हो गए। तुम हो कहाँ, आई क्यों नहीं? आंटी मेरी मामा की डेथ हो गई है, बस इसीलिए। ओह I'm so sorry बेटा। बहुत अफसोस हुआ मुझे सुनके। तुमने भी नहीं बताया और ना ही अलमीर ने। अलमीर को तो पता भी नहीं है, किसी को भी नहीं पता।
मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रही थी। तुम अपने घर का एड्रेस दो बेटा, मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ ताज़ियत के लिए। नहीं आंटी, वो मैं अपने घर पर नहीं हूँ। मैं अकेली हो गई थी तो मेरे चाचा मुझे अपने साथ ले गए थे। भैया भी नहीं है इसीलिए। पर आप फिक्र ना करें, मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगी। मैं भी आपको बहुत मिस कर रही थी। अच्छा ठीक है, जो तुम्हें मुनासिब लगे। वैसे अगर मैं आ जाती तो तुम्हारी फैमिली से भी मुलाकात हो जाती। आंटी बल्कि मैं आपसे मिलने के लिए खुद आऊंगी, बस एक दो दिन में ही आ जाऊंगी। आंटी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अलमीर को अभी कुछ मत बताइएगा। अच्छा बेटा, मैं बिल्कुल जिक्र नहीं करूंगी। सुनो, अपने आप को अकेला मत समझना, जब भी वक्त मिले ना मेरे पास आ जाना। जी आंटी, थैंक यू। मन की डोर छूट जाने को है, साहिल पे खां डूब जाने को है, राबता क्या हमारा उलझनों की वजह से टूट जाने को है, इश्क था इंस्पेक्टर जहां सेब का फोन आया था बेटे, कह रहे थे कि घर आके कुछ तफसील बताना चाह रहे हैं, बहाज के बारे में कोई बात करना चाह रहे हैं। आज अम्मी के इंतकाल को 5 दिन हो गए और रेहान बेचारी वहां अकेले। तुम्हें क्या फिक्र है उसकी? हाँ अरे बड़े और लोग हैं मोहल्ले में, कोई ना कोई देख लेगा उसको। तुम भूल गई हो किस तरह से, किस तंतने से, किस बेइज्जती से घर से निकाला उसने तुम्हें? अभी भी उसकी फिक्र करें? ठीक कह रही हैं आप, लेकिन अम्मी के बाद वो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे इस तरह नहीं आना चाहिए था। तुम नहीं आई थी वहां से, उसने निकाला था तुम्हें हाथ पकड़ के, बेइज्जती करके, और उसके भाई पर तुम्हारे बाबा जान के कत्ल का इल्जाम है, भूलना मत ये बात। नहीं, ये महज इल्जाम भी तो हो सकता, आज ऐसा क्यों करेंगे, उन्हें ऐसा करके क्या मिलता? पता नहीं भाई, यही तो समझ में नहीं आ रहा, क्यों किया होगा उसने ऐसा। बाजी को इजाजत साहब आए हैं। हाँ बिठाओ, आ रहे हैं जी। ये वो इंस्पेक्टर जहांजेब है जो तुम्हारे बाबा के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जानती हूँ, बहाज का दोस्त बनके धोखे से हमारे घर आया।